तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि लिकोरिया यानी कि श्वेत पानी जब योनि मार्ग से स्राव होता है तो इसका घरेलू उपाय हम लेकर आए हैं आपको, क्योंकि ये बीमारी आजकल हर महिला को, हर लड़की को ये आम बीमारी के रूप में देखा गया है। कि जो ये बीमारी धीरे धीरे शुरू में तो छोटी दिखती है लेकिन बाद में जाके बहुत बड़ी रूप ले लेती है, जो कि इसका बहुत बड़ी समस्या है, इसका आगे चल के इसका कारण बन सकता है। तो आज इसी बारे में हम आपसे बात करें कि इसको आप घरेलू नुस्खे द्वारा कैसे आसानी से घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहले नंबर वन उसका यह बताना चाहते हैं कि अगर आप सिंघाड़ा अगर रोज़ खा रही हैं, अगर आपको सिंघाड़ा कच्चा मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर सिंघाड़ा कच्चा नहीं मिल रहा है तो आप पका हुआ जो सिंघाड़ा मिलता है वो पका हुआ सिंघाड़ा, मतलब जो जिस सिंघाड़ा को हम लोग आटा बना के व्रत में उसका इस्तेमाल करते हैं वो सिंघाड़ा, पका हुआ सिंघाड़ा ले लीजिए और उस सिंघाड़े का आटा मतलब घर पर बना लीजिए। जो सिंघाड़े का आटा बना के उसको आपको इस्तेमाल करना है, उसको हलवा के रूप में इस्तेमाल करिए, या फिर उसको आप दही जब सुबह या शाम को जब भी आप दही खाएं तो उस दही में उस आटे को इस्तेमाल करके खा सकती हैं। ये बहुत अचूक उपाय है, दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं या फिर इसका हलवा बना के खा सकते हैं, आपके पसंद के ऊपर है। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि देसी कपूर, मतलब आजकल कपूर तो ऐसे पैकेट में आता है, जो पैकेट का कपूर आता है वो मैं उस कपूर की बात नहीं कर रही हूँ, जो देसी कपूर आता है जो फिटकरी के जैसा होता है, जो जैसे ढोका वाला कपूर होता है, बड़ा बड़ा ढोके की तरह होता है, वो देसी कपूर माना जाता है। उस देसी कपूर को ले लीजिए और एक केला लीजिए, सुबह के शाम खाली पेट केले में जो देसी कपूर रहेगा उसका छोटा सा मटर के इतना बराबर उस देसी कपूर का टुकड़ा तोड़कर उस केले के अंदर उसको डालकर और उस केले को ऐसे खा जाइए। धनिया पाउडर, मार्केट का पाउडर नहीं लाना है आपको, क्योंकि ये उपाय बहुत, जैसे इसके लिए आपको घर का, जैसे आप धनिया ले लीजिए, उस धनिया को आप घर में ला के अच्छी तरह उसको धो लीजिए, धो के धूप में अच्छे से सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद आप उसको घर में मिक्सर से अच्छी तरह उसको पीस के और जो आटा छानने वाली छन्नी होती है उसको छान लीजिए, छानने के बाद जो भी उसकी भूसी उसी निकलती है उसको अलग रख दीजिए, जो पाउडर होता है उसका अलग रख लीजिए। वो पाउडर को आपको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना वो हम आपको बता रहे हैं। उसको इस्तेमाल आपको 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर ले लीजिए और 2 से 2.5 गिलास पानी ले लीजिए। उस पानी को एक भगोने में रखकर या किसी भी बर्तन में आप रखकर गैस पर रख के उसको गर्म कर लीजिए, इतना गर्म करिए, इतना उसको उबालिए कि वो गर्म होते होते एक कप सिर्फ जो चाय पीने वाला कप होता है उतना बच जाए। उतना बचने के बाद वो धनिया पाउडर उसमें डालकर पी जाइए। ऐसा रोज़ाना करें, ऐसा रोज़ाना करने से आपको 2 ही 3 दिन में इसका आपको फ़ायदा आपको आपके सामने देखने को मिल जाता है। क्योंकि चौथा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जो आप इसको अच्छी तरह से अपनाकर एकदम अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी जो है वो है शीशम का पत्ता। जी हाँ, ये शीशम का पत्ता भी ये जो योनि मार्ग से स्राव होता है श्वेत पानी का, इसके लिए भी बहुत ही अचूक और फ़ायदेमंद उपाय माना गया है। मतलब ये देहाती गांव में तो मतलब इसका पेड़ पौधा ज़्यादा होता है, इधर शहरों में नहीं देखने को इतना मिलता है। अगर जहाँ अगर आपको इसको मिल जाता है, अगर नहीं मिल पाता है तो मार्केट से या कहीं से भी इसको मंगा लीजिए। मंगाने के बाद इसका पत्ता 1 से 2 मुट्ठी अपने जितना आपके मुट्ठी में पत्ता आ जाए, 1 से 2 मुट्ठी पत्ता ले लीजिए शीशम का। इसको अच्छी तरह से कूच लीजिए, कूचने जैसे आप खाना बनाते हैं तो किचन में जो सिलबट्टा यूज करते हैं उसमें इसको कूच करके पानी में पकाकर उस पानी को पी सकती हैं, या फिर इसको मिक्सर में पीसकर, या जैसे मिक्सर में पीस ली इसको पानी डालकर पीसने के बाद जो उसका रस निकल रहा है उसको छननी से छानकर उस रस को आप पी सकती हैं या फिर इसको पीस कर मिक्सर में ऐसे पी सकती हैं। दोनों तरह से आपको फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो छोटी सी, मैं आपको योनि मार्ग से स्राव होने का, श्वेत स्राव होने का ये छोटा सा घरेलू उपाय मैं आप लोग के सामने लेकर आई। अगर ये छोटी सी अपडेट हमारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। अगर ये आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे चल के कोई अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना के दे सकें। मिलते हैं किसी अलग और नए घरेलू उपाय नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।